Very good morning, students. Two capacitors of different capacitances are connected first in series and then in parallel across a DC source of 100 volt. If the total energy stored in the combination in the two cases are 40 mg and 250 mg, मतलब millijoule, find the capacitance of the capacitor. मतलब ये देखिए, ये दो capacitance है, सबसे पहले उन्होंने series में लगाए with a source of 100 volt. If source of 100 volt, ठीक है? If the total energy stored in series combination 40 millijoule है, मतलब इसकी 40 millijoule है, अब इसका equivalent जो बनेगा, वो भी मैंने बना के रखा है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है? और वही सेकंड उन्होंने पैरेलल में जब ज्वाइन किया इसी C1 C2 को, तो अब उसका इक्विवेलेंट देखिए कुछ ऐसा बन गया है ना, ये इसका इक्विवेलेंट है पैरेलल का. पैरेलल में कैपेसिटेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ये बड़ा डंडा बनाया है, इसमें छोटा हो जाता है तो मैंने छोटा डंडा बना दिया है, ठीक है? तो ये 100 वोल्ट, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है. तो ये हमें सी, पहले हम सी इक्विवेलेंट, हमारा मेन एम है इसको फाइंड आउट करना, सी डैश इक्विवेलेंट को और सी इक्विवेलेंट को, मतलब सीरीज में और पैरेलल में ये इक्विवेलेंट कितने होते हैं वो फाइंड आउट करना, और फिर हम एनर्जी से इक्वेट कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन इजी है, लेकिन आई थिंक इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना वो थोड़ा सा लंबा जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम सीरीज पैरेलल की बात कर लेते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C1 C2 है वो C1 प्लस C2 होंगे, विच इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, पैरेलल में अगर है, आप जानते हैं कि पैरेलल में जब होता है तो C1 प्लस C2, तो हमने उसको C- इक्विवेलेंट नाम दे दिया था, करेक्ट? अब इसकी एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी दे के रखी उन्होंने, हम जानते हैं हाफ ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ CV² होती है, तो हाफ ऑफ सी कितना है इसमें, सी इक्विवेलेंट के बराबर, तो सी इक्विवेलेंट डैश इंटू V², ये एनर्जी किसके बराबर होगी, U के बराबर, जो कि कितनी है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में देके रखी है, 250 मिली जूल, विच इज इक्वल टू 250 मिली जूल, ठीक है? थोड़ा सा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/2 ऑफ सी इक्विवेलेंट कितना है, C1 प्लस C2, V² मतलब 100 का स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू 250 मिली जूल, मतलब 250 इंटू 10^-3 जूल्स, ओके, ठीक है? अब आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है? अब ये कितना हो जाएगा, 100 × 100 सबको इधर लेके आ जाते हैं, तो 250 × 10^-3, ये वाला 2 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए 100 का स्क्वायर है, मतलब 10, मतलब 100 × 100 मतलब 10^4, तो 10^4 कर दूं यहाँ पे, ठीक है? ओके, 100 × 100 10^4. अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 × 0 = 5 = 10 इंटू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10^-7 आ जाएगा, ये कितना C1 प्लस C2 आ जाएगा. ये मेरा फर्स्ट पार्ट में नाम देके छोड़ देती हूँ, ओके? अब इन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग. सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाता है, विच इज इक्वल टू 1/ सी इक्विवेलेंट नाम दिया था. देखिए सीरीज इक्विवेलेंट में मैंने सी इक्विवेलेंट नाम दिया है, ठीक है? ओके, अब 1/ इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे अगर, देन यू विल गेट आंसर C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना? इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सी इक्विवेलेंट क्या है, ये सी इक्विवेलेंट. अब इसकी एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी दी हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी देके रखी है, तो हम देखेंगे हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट V² इज इक्वल टू एनर्जी, कितनी एनर्जी, तो हम इसकी U- नाम दे देते हैं, विच इज इक्वल टू, उन्होंने 40 मिली जूल देके रखी, ओके? अब ये C इक्विवेलेंट की जगह में ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V² की वैल्यू आ जाएगी 100, V की वैल्यू 100 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 40 × 10^-3 जूल हो जाएगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो C1 C2 जो आपका आएगा, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 40 × 10^-3, ठीक है? थोड़ा सा प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, × 10^-3, ये कितना हो जाएगा, 10^4, तो नीचे आ जाएगा, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 80 × 10^-7, और ये किसका कॉम्बिनेशन है, C1 C2 / C1 + C2, ठीक है? ये इक्वेशन आ गई मेरी सेकेंड. देखिए ये इक्वेशन जो 1 है और ये इक्वेशन सेकंड है, इस यहाँ पे मेरी C1 प्लस C2 की उन्होंने वैल्यू देके रखी है, मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे C1 प्लस C2 की जगह, तो पुट वैल्यू फ्रॉम 1 टू इक्वेशन
तो C1 C2, अब इस C1 C2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो C1 plus C2 मल्टीप्लाई बाय 80 × 10⁻⁷। अब देखिए C1 plus C2 की वैल्यू क्या ये है, तो मैं यहाँ पे रख दू 500 × 10⁻⁷ × 80 × 10⁻⁷। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 × 5 = 40, 1 2 3 × 10⁻¹⁴। अब ये 1 2 3 4 0, 4 से 4 गए, मतलब ये +4 है, और ये माइनस करेंगे तो 4 × 10⁻¹⁰ आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, C1 C2 की वैल्यू। यहां से हम एक वैल्यू कोई भी निकाल सकते हैं, तो लेट्स से C1 की वैल्यू मैंने निकाल ली 4 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय C2, करेक्ट। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूं, ये वाली इक्वेशन में, ओके। ये थर्ड नाम दे दूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1, करेक्ट है। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, C1, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, C1 plus C2 था, इस इक्वल्स टू हमारे पास आया था 500 × 10⁻¹⁷, करेक्ट है। अब ये C1 की वैल्यू यहां पे रख देती हूं मैं, C1 की वैल्यू 4 × 10⁻¹⁰, सॉरी C1 हमारा कितना है 4 × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय C2 plus C2 इज इक्वल्स टू 500 × 10⁻¹⁷। ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा अब इक्वेशन बन रही है हमारी, क्यों ना मैं इसको मैं थोड़ा सा ये लिख लूं, 5 × 10⁻¹⁰, देखिए −7 दो गए तो 10⁻⁵ हो जाएंगे, करेक्ट है। इसको मैंने ये लिख लिया, अब मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 × 10⁻¹⁰ प्लस C2 का स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और C2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 × 10⁻⁵ × C2 हो जाएगा। अब ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, −5 C2 ये इधर आ जाएगा, हाँ, +4 × 10⁻¹⁰ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करेंगे तो आपकी C2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ, हमारे पास था ना फॉर्मूला x = −b −√b² − 4ac / 2a था, यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है −5 × 10⁻¹⁵, मेरे पास a की वैल्यू कितनी है 1 है, मेरे पास c की वैल्यू जो है वो है 4 × 10⁻¹⁰। अब घबराइए मत, बहुत इजीली निकलेगा। तो x क्या है मेरे पास, x जो है मेरा C2 है, x की जगह यहाँ पे C2 देखिए C2 है ना, तो C2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू, माइनस रख दूं मैं यहाँ पे −5 × 10⁻¹⁵ +√b² है, तो यानी −5 × 10⁻¹⁵ का स्क्वायर −4 × 1 × c, c की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻¹⁰, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। तो ये C2 की वैल्यू आ जाएगी, C2 की वैल्यू ये प्लस हो जाएगा 5 × 10⁻¹⁵ −√, अच्छा a की जगह भी 1 रख दूं यहाँ पे है ना, a की वैल्यू 1 है तो खाली 2 ही आएगा आंसर, ठीक है, यहाँ पे ये इसके अपॉन में, अच्छा ये स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 × 10⁻¹⁰ −4 × 4 = 16 × 10⁻¹⁰, ये −10 है ना, c की वैल्यू −10 डिवाइडेड बाय आएगा आपका 2, देन C2 इज इक्वल टू 5 × 10⁻¹⁵ −√, देखिए पावर सेम हो गई, 25 में से 16 गए 9 बचे, × 10⁻¹⁰ डिवाइडेड बाय आएगा आपका 2, ठीक है। 9 को बाहर खोलिए, 5 × 10⁻¹⁵ −3, अब ये देखिए ये ऐसा है √, ये 9 को खोला तो 3 आ गया बाहर, अब 10⁻¹⁰ को कैसे खोलेंगे आप, तो आप एक काम कीजिए, ऐसा लिख सकते हैं 10⁻¹⁰ को, क्या फर्क पड़ता है, ये 10 देखिए 2 × 5 = 10 ही तो आया, √ में 10 के ये −10 को मैं 5 × 10 लिख दूं, तो देखिए इसका स्क्वायर रूट खुलेगा, देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, तो आप सोचिए 10⁻¹⁵ × 2 है, ये 2 और 2½ क्योंकि √ में, तो ये और ये गया तो आंसर 10⁻¹⁵ ही आएगा ना बाहर, करेक्ट।
डिवाइडेड बाय 2, मतलब अंडर रूट खोलेंगे तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा. ओके अब प्लस माइनस है, यानी सी टू के हमारे पास दो वैल्यू आने वाली, तो सबसे पहले हम प्लस वाली लिख लेते. 5 × 10⁻⁵ प्लस 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 2. तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 2. करेक्ट, यानी कितना आंसर आया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी सी टू की वैल्यू आ गई आपकी 4 × 10⁵ फेराड. ठीक है, अगर इसको माइक्रो फेराड में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, × 10⁻⁵. देखिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40, दैट इज इक्वल टू 40, और ऊपर जाएगा तो -1, है ना, तो 10 × 10⁻⁶ फेराड. ये देखिए ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो आंसर कितना आ जाएगा, इस 10⁻⁶ को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइक्रो, तो ये आ गया माइक्रो फेराड. ये हमारी C2 की एक वैल्यू आई, कब, जब हमने प्लस लिया था. अब माइनस रख के भी देख लेते हैं, तो C2 की माइनस वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 10⁻⁵ −3 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2 गया, आंसर आ जाएगा 10⁻⁵ फेराड. अगर इसको माइक्रोफेराड में कन्वर्ट करते हैं तो वही 10 × 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज 10⁻⁵, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये गया, ये वाला 10 ऊपर आएगा तो -1, तो 10⁻⁶, और ये 10 एज इट इज, हाँ ये ऊपर जाके -1, ये वाला +1 है, ऊपर जाके -1, और ये कितना आ जाएगा, फेराड. और इस 10⁻⁶ को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये इसको माइक्रो लिख सकती हूँ, ये माइक्रो, ये माइक्रो, ये माइक्रो, तो माइक्रो फेराड हो गया. ठीक है, इसका मतलब मेरी सी टू की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई मेरी 10 माइक्रो फेराड आई, और सी टू की एक और वैल्यू आई मेरी 40 माइक्रो फेराड भी आ गई. ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम सी वन निकाल लेंगे. तो जब मैं सी वन, मुझे पता है कि सी वन प्लस सी टू कितना है, सी वन प्लस सी टू है मेरा, देखिए सी वन प्लस सी टू इसके बराबर है 500, सी वन प्लस सी टू जो था मेरा 500 × 10⁻⁷, ये दो इधर गए तो 5 × 10⁻⁵, ये 7 और 2 5 कर दिए. ठीक है, तो मेरा सी वन प्लस सी टू आ गया 5 × 10⁻⁵. करेक्ट, C1 की वैल्यू रख दूं, अब फेराड में भी रख सकते हैं, माइक्रो, अब फेराड में ही रख लेते हैं क्योंकि देखिए -5 इजी कैलकुलेशन हो जाएगा. तो अगर ये मैं 40 माइक्रो फेराड रखती हूँ, किसकी, C2 की वैल्यू, तो C1 कितना आ जाएगा, मतलब मैं ये वाली रख रही हूँ, है ना, फेराड में रख रही हूँ, फेराड में. तो मैं अगर C2 की वैल्यू मैं कितनी रखूं, 4 × 10⁻⁶, देखिए ये वाली रख रही हूँ, ये माइक्रो फेराड में मैं नहीं रख रही हूँ, मैं फेराड में रख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि -5 मेरा इजीली कट जाएगा, तो ये कितना रख दूं मैं, 4 × 10⁻⁵ फेराड, 4 × 10⁻⁵ फेराड इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁵ फेराड. तो सी वन की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10⁻⁵ −4 × 10⁻⁵, ये इधर आ गया इसलिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 में से 4 गए तो 1 बचे, यानी −5, यानी सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने फेराड, और इतने फेराड कितने माइक्रो फेराड के बराबर होते हैं, 10 माइक्रो फेराड. ये देखिए यहाँ पे भी तो आंसर अपना 1 ही आया था. ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, सी वन इज इक्वल टू दिस और 10 माइक्रो फेराड. इसका मतलब अगर आप सी टू की वैल्यू को अगर आप 40 माइक्रो फेराड और 4 × 10⁻⁵ फेराड रखते हैं, तो सी वन आपका कितना आ जाता है, 10 माइक्रो फेराड और 1 × 10⁻⁵ फेराड. अब सिमिलरली मैं दूसरा नहीं निकाल रही, अगर आप सी टू की, देखिए अभी मैंने सी टू की वैल्यू 45 माइक्रो फेराड रखी थी ये वाली, अब अगर आप सी टू की वैल्यू, अभी मैंने कौन सी रखी, ये वाली सॉल्व की है, अगर मैं सी टू की वैल्यू 40 माइक्रो फेराड रख रही हूँ तो सी वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 माइक्रो फेराड आ रही है. अगर मैं सिमिलरली सी टू की वैल्यू 10 माइक्रो फेराड रखू, देन मेरी सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मेरी सी वन की वैल्यू उल्टी आ जाएगी, दैट इज अभी मेरी सी वन की वैल्यू, तो सी वन की वैल्यू मेरी 40 माइक्रो फेराड आ जाएगी, सिंपल. ठीक है, अभी मैंने ये लिखी तो C2 के करस्पॉन्डिंग C1 इतना आया, अगर मैं C2 की वैल्यू 10 रखूं तो C1 वो आ जाएगा. ठीक है, ओके, तो आपको होप ये मैंने पूरा मैथ सॉल्व करके दिखाया है, आपको जरूर वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.